नमस्कार, इस समय हम पहुंचे हैं कैथल की NIIIM यूनिवर्सिटी में, जहां आपको बता दें कि 29 तारीख को दीपावली मेला पर यहां बहुत बड़ा जो प्रोग्राम है होने वाला है। तो आपको बता दें कि हरियाणवी बड़े बड़े जो कलाकार हैं MD KD या सुभाष फौजी यहां पहुंचने वाले हैं। तो अंदर जाकर तैयारियां भी दिखाएंगे कि किस तरह से पूरा आयोजन होगा, लेकिन आपको बता देते हैं कि 29 तारीख को दीपावली मेले पर यहां हरियाणवी जो कलाकार हैं MD KD सुभाष फौजी पहुंचेंगे और सुबह 10 बजे प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। तो अंदर जाकर आपको दिखाते हैं तैयारियों को लेकर कि किस तरह से जो आयोजन होना है, आयोजन स्थल की वीडियो भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह की तैयारियां हैं, और जो वाइस चांसलर हैं उनसे बातचीत करेंगे कि इस पूरे आयोजन को लेकर क्या कुछ उनका कहना है, किस तरह की तैयारियां हैं और क्या कुछ कैथल वासियों के लिए मैसेज देना चाहते हैं। तो आइए अंदर चलते हैं। तो अब हम नीलम यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंच गए हैं, जहां आप देख सकते हैं कि पंडाल की जो तैयारियां हैं पूरी चल रही हैं, और जो VC सर हैं वो भी निरीक्षण करने पहुंचे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कितना बड़ा जो पंडाल है, MD KD यहां पहुंचेंगे 29 तारीख को, और जो दीपावली मेला है उसको लेकर कहीं ना कहीं जो तैयारियां हैं की जा रही हैं, और तमाम आपको बता दें कि कैथल के अलावा बाहर से भी ऑडियंस यहां पहुंचने की संभावना है। लेकिन VC सर से जानेंगे कि क्या कुछ तैयारियां हैं, और तैयारियों को आप देख सकते हैं कि अंतिम रूप दिया जा रहा है, क्योंकि आज मैं आपको बता दूं कि 26 तारीख हो गई है और 29 तारीख को यहां बहुत बड़ा कैथल की NIIIM यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम होने वाला है। MD KD के अलावा हरियाणवी जो कलाकार है वो यहां पहुंचेंगे, और तैयारियां आप देख सकते हैं कितना बड़ा पंडाल यहां नीलम यूनिवर्सिटी में बनाया गया है। तो VC सर जो निरीक्षण के लिए पहुंचे हैं उनसे जानेंगे कि क्या कुछ कहेंगे कितने इन तैयारियों को लेकर, और क्या कुछ मैसेज इनका कैथल वासियों के लिए रहने वाला है। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार। दरअसल क्या है कि 29 अक्टूबर को जी दिवाली मेला का एक आयोजन यूनिवर्सिटी कर रही है, खास तौर से हमारे कैथल वासियों के लिए, क्या पूरे प्रदेश के लिए ही जी। तो ये एक बड़ा मेगा इवेंट है जी। इसमें आशा है कि कम से कम 5,000 से कम लोग नहीं पार्टिसिपेट करेंगे। ये ओपन टू ऑल है, इसका कोई शुल्क नहीं है जी, जी। ये फ्री है, इसमें किसी पास की जरूरत नहीं है, जो चाहे वो आए, सारे के सारे इन्वाइटेड हैं। इसमें जो जितने कैथल वासी हैं और आसपास के एरिया के, ये सारे लोगों के लिए ओपन है, बिना किसी पास के, बिना किसी फीस के। और इसमें बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम ऑर्गेनाइज हो रहे हैं। इसमें तो ये पॉप सिंगर्स हैं या और भी बड़े बड़े हरियाणवी इसमें कलाकार हैं, जिसका नाम अभी आप ले रहे थे हांडीके, ये सारे के सारे लोग यहाँ पे आ रहे हैं। और यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स का आयोजन कराया जा रहा है, जिसमें बहुत सारे मल्टी क्यूजाइंस हरियाणवी स्टॉल्स भी इसमें वो ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, और इसमें तमाम ऑटोमोबाइल्स के भी ये स्टॉल्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे। इसमें क्राफ्ट मेले का आयोजन कराया गया है, ताकि लोग यहाँ पे दिखाएं, खास तौर से रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे इस तरह के स्टॉल ऑर्गेनाइज कराए जा रहे हैं। उनके सारे रूरल जितने भी ये इंडस्ट्रीज़ हैं उनके प्रोडक्ट का डिस्प्ले यहाँ पे कराया जाएगा। इसका ओवरऑल उद्देश्य है एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना हरियाणा में जी। तो इसीलिए लोकल लोगों को हम बहुत ज़्यादा इसमें मोटिवेट करना चाहते हैं, और इस फेस्टिवल के माध्यम से मैसेज लोगों के अंदर देना चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी है जो कमिटेड है सारे एरिया की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, एजुकेशन के साथ साथ। तो सर इतना बड़ा इवेंट कैथल में पहली बार होने जा रहा है, तो तैयारियों की मैं बात करूँ, तैयारियाँ अंतिम रूप में? तैयारियां तो बड़े जोर शोर में एक वार फुटिंग पे हम करा रहे हैं, लेकिन इसमें प्रशासन जो डिस्ट्रिक्ट प्रशासन है उसका बहुत बड़ा इसमें रोल है, काफ़ी सपोर्ट कर रहा है डिस्ट्रिक्ट प्रशासन भी, इसमें पुलिस प्रशासन भी, सारे के सारे लोग यहां पे आएंगे, पुलिस के अपने नौजवान यहां पे आएंगे, प्राइवेट सिक्योरिटी और एजेंसी से हम लोगों ने बात कर लिया है कि अगर कुछ कमी पड़ती है तो वो लोग इसकी सिक्योरिटी का अरेंजमेंट देखेंगे। तो क्या कुछ मैसेज आपकी तरफ से रहने वाले? हमारे मैसेज ये है कि पहले तो मुबारकबाद देना चाहता हूँ दिवाली के मौके पे यहाँ कैथल वासियों को, और उनसे ये निवेदन कर रहा हूँ, वो उनको मैं इनवाइट भी कर रहा हूँ कि सारे के सारे लोग आएँ, ये मेला उन्हीं के लिए आयोजित किया जा रहा है, आएँ, इसको देखें, अपने सुझाव भी दें और इस भव्य मेले को सफल बनाएं। तो ये थे हमारे साथ NIIIM यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, तो जिन्होंने बताया कि किस तरह से जो तैयारियां हैं अंतिम रूप में हैं। तो आप देख सकते हैं कि 5,000 के करीब, जैसे इन्होंने बताया कि यहाँ ऑडियंस पहुँचने की संभावना है, लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कितना बड़ा पंडाल है यहाँ, जो हरियाणवी कलाकार दीपावली मेले में यहाँ कैथल की नीलम यूनिवर्सिटी में पहुँचेंगे उसके लिए सजाया गया है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुँच सके।